नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल गया है। ये 46 साल में पहली बार है जब रत्न भंडार को खोला गया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर शनिवार को मंदिर प्रशासन को एक पत्र लिखा था जिसमें रत्न भंडार खोलने की सूचना दी गई थी। शुभ मुहूर्त देख कर रत्न भंडार खोला गया है। साथ ही इससे पूर्व महाप्रभु महालक्ष्मी बाबा लोकनाथ और माँ विमला का आशीर्वाद लिया गया। रत्न भंडार खोले जाने के दौरान भंडार में काप देउलकरण तड़ोरकरण प्रतिहारी मौजूद हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर उपस्थित थी और यह सभी कार्य मंदिर के मुख्य प्रशासक की देखरेख में किए जाएंगे। रत्न भंडार से आभूषण निकालने के बाद उन्हें ठाकुर के घर में रखा जाएगा। प्रशासन ने यह स्ट्रांग रूम बताया है। आभूषणों को गिनने और मरम्मत तक उन्हें यहीं रखा जाएगा। रत्न भंडार का ताला आखिरी बार 1978 में खोला गया था, तब आभूषणों की गणना 72 दिनों में हुई थी। हालांकि आधुनिक तकनीक की मदद से इस बार जल्द गणना पूरी होने की उम्मीद है। वहीं रत्न भंडार में सांपों की उपस्थिति को देखते हुए स्नेक हेल्पलाइन और मेडिकल टीम भी वहां मौजूद होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।